हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 6 मंथ बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि 6 मंथ के बेबी का जो वजन होता है वो कितना होता है, वो कितने घंटे सोता है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मंथ बेबी के वेट के बारे में। 6 मंथ के बेबी का जो वेट होता है ना, वो उसके जो जन्म के टाइम पर वेट होता है उसके जस्ट डबल हो जाता है। यानी कि अगर वो 2.5 किलो का हुआ होगा तो 5 किलो का हो जाएगा, 3 किलो का हुआ होगा तो वो 6 kg का हो जाएगा। इस तरीके से बर्थ के टाइम का जो वेट होता है ना, वो उसके डबल हो जाता है इस टाइम पे। सेकेंड चेंजेज इस टाइम पे जो आप अपने बेबी में देखोगे वो ये है कि अब बेबी आपको पहचानने लग जाता है। स्पेशली मम्मा जो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है उसे बहुत अच्छे से पहचानने लग जाता है। मम्मा इधर जाती है तो बेबी रोना स्टार्ट कर देता है, एंड नियर डियर बाई रिलेटिव जैसे पापा माँ बाबा जो भी बच्चे के साथ रहते हैं उन सबको भी बच्चा बहुत अच्छे से पहचानना स्टार्ट कर देता है। थर्ड चेंजेस इस टाइम पे आप अपने बेबी में देखोगे वो ये है कि बेबी अब नेक को बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से सीख जाता है। साथ के साथ नेक का बैलेंस बनाते हुए वो अपने दोनों हाथों पे वजन डाल के खड़ा भी होने की कोशिश करेगा। अगर आपका बेबी ऐसे तो ये 3 मंथ में से स्टार्ट हो जाता है नेक का बैलेंस बनाना, और 4 मंथ के एंड तक बच्चा नेक का बैलेंस बनाना सीख जाता है। बट 6 मंथ तक भी अगर आपका बेबी नेक का बैलेंस नहीं बनाता है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसर्न कीजिए, क्योंकि इस टाइम तक बेबी अपनी गर्दन को अच्छे से संभालना सीख चुका होता है। चेंजेस जो आप अपने बेबी में देखोगे, कोई भी टॉयज आप है ना अपने बेबी के पास लेके जाइए, आप उसके पास लेके जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, बच्चा खुद हाथ बढ़ाए, आपको देना नहीं है, उसको खुद से हाथ बढ़ाने देना है उसे, कि वो पकड़ना जानता है या नहीं जानता है। आपको देना नहीं है, वो खुद से कोशिश करता है नहीं करता वो देखना है आपको। तो आप देख रहे हो यहां से मैं इसको दे नहीं रही हूं, खुद से ही कोशिश कर रही है पकड़ने की। मैं इसको हिला भी रही हूं कि ये खुद से पकड़े। तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है कि इस टाइम आप कोई भी टॉयज बच्चों के पास लेके जाओगे ना तो वो खुद से उसे पकड़ना खेलना भी स्टार्ट कर देते। ये चेंजेज आप अपने बेबी के अंदर देखोगे। जो बेबी होता है ना, ओहो, इसको तो खड़ा होना है, सब कुछ नहीं करने से खड़ा होने का शौक चढ़ रहा है अभी, है ना। वो अपने नाम पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता, शिवी शिवी देता है। जो आप उसके नेम से बात कर रहे हो ना, उस नेम पे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इनको गुदगुदी भी होना स्टार्ट हो जाती है, जी जी प्याली प्याली जी गुदगुदी भी। इस टाइम पे आप देखोगे आपके बेबी को बहुत अच्छी सी होती है। नेक्स्ट चेंजेज आप अपने बेबी में देखोगे वो ये है कि बेबी पलटना भी स्टार्ट कर देता है। देखो यहाँ से लो लो, ओ आजो आजो, देखो इस तरीके से बेबी ना कंप्लीटली पलटना स्टार्ट कर देगा, है ना, और आपसे बात भी करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइम पे जो बेबी होता है ना वो रोल ओवर करना स्टार्ट कर देता है, कि बेबी एक जगह से पलटना दूसरी जगह तक स्टार्ट कर देता है। अगर आपका बेबी अभी तक नहीं पलट रहा है तो कोई बात नहीं। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं 6-7 मंथ में, जो 7 मंथ चलता है ना उसमें भी जाके पलटना स्टार्ट कर देते, तो हो सकता है ये 7 मंथ में जाके आपका बेबी पलटे। बट हाँ, 5 मंथ से लेके 7 मंथ तक आपका बेबी पलटना स्टार्ट कर देता है। इनकेस आपका बेबी नहीं पलटता है तो आपके आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अभी बैठना नहीं चाह रही, मेरी गोदी में आना चाह रही है इस टाइम पे। मम्मा की गोदी में आना चाहती है ये। और नेक्स्ट चेंजेस जो आप अपने बेबी में देखोगे वो ये है, इधर आओ कि बेबी अब बिना सपोर्ट के इस तरीके से पैकना स्टार्ट कर देता है। लो, तो मतलब 5 मंथ के एंड से इसने बैठना स्टार्ट कर दिया था। आपका बेबी आप देखोगे 5 से लेके 7 मंथ के बीच में है ना इंडिपेंडेंटली बैठना स्टार्ट कर देता। अगर अभी तक आपका बेबी नहीं बैठता है तो आप उसे ना पिलो के सपोर्ट से इस तरीके से आप अपने बेबी की चेयर बना दीजिए, एक इधर रख दीजिए और एक इधर रख दीजिए, एक पिलो और लेके आना पड़ेगा पूरा। हा, ये आपकी बेबी की कुर्सी बन गई और यहां से आपका बेबी कहीं भी नहीं गिरेगा।
तो ये बच्चे की कुर्सी है, आप देखोगे यहाँ से बच्चा गिर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप सपोर्ट के थ्रू भी अपने बेबी को बैठा सकते हो, अगर आपका बेबी अभी तक नहीं बैठता है तो। हाँ, तो अभी गिरने का कोई चांस ही नहीं है, ये इसकी कुर्सी है जो हमने इसके लिए बनाई है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा सकते हो अपने बच्चे को बिठाने की। इसे नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना मम्मा। इस टाइम पे क्या होता है, आपके बेबी का एक रूटीन भी है ना ऐड हो जाता है, अपना बेबी एक रूटीन बना रहता है, आपको आइडिया लग जाए कब बेबी का सोने का टाइम है, कब जागने का टाइम है, इवन कई बार पूप का टाइम भी आपका डिसाइड हो जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि मॉर्निंग में ये जगते ही पूप जरूर से जरूर करेगी, तो वो एक टाइम फिक्स होता है, अदरवाइज तो कभी भी कर सकता है बेबी का, ऐसा कुछ नहीं। बट एक टाइम का आइडिया आपको लग जाता है जो मॉर्निंग वाला होता है उसमें तो, एंड बच्चा एक अपना रूटीन बना लेता है सोने का जगने का। अगर आप प्रॉपर रूटीन बनाओगे ना तो उसका एक रूटीन हो जाता है। सबसे और न्यू चेंज जो यहाँ पे आपके बेबी में होगा वो ये है कि 6 मंथ के बाद से आप अपने बेबी को सॉलिड देना स्टार्ट कर सकती हो। डे में आपको ओनली 1 टाइम देना है, 1 या 2 स्पून आपको देना है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। मैंने अपना एक प्रॉपर पूरा वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे मेरे चैनल पर बेबी फूड से रिलेटेड, आप देख सकते हो जाके। का बेबी आराम से 12 से 16 घंटे की नींद सोता है, जिसमें से 9 घंटे की नींद रात को होती है, और दिन में वो 2 या 3 आराम से नैप ले लेता है। दोस्तों, बाय बाय।